इसका जो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को लगता है थोड़े से हार्ड है। सोनेट के भी थोड़े से मेरे को हार्ड लगते हैं सस्पेंशन, मेरे को इसके भी थोड़े से हार्ड लगे सस्पेंशन। और एवरेज का गाइस मेरे पास जैसे पूछ मतलब लोग भी पूछ रहे थे एवरेज क्या दे रही है, तो अभी तो गाइस एवरेज बड़ी बेकार दे रही है। अभी निकाल के देखा तो अभी तक तो मैं जैसे चला रहा हूँ तो अंडर पावर बिल्कुल लग नहीं रही है मेरे को, गाड़ी बड़ी स्मूथ है। यो गाइस व्हाट इज अप, वेलकम टू गुरुंग बस चैनल, दिस इज अमन। सो गाइस जैसे कि आज का टाइटल एंड थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो गाइस होने वाली है हमारी टेस्ट ड्राइव के ऊपर। एंड गाइस इसमें मैं आपको इंप्रेशन बताऊंगा कि मेरे को ऑटोमेटिक वेरिएंट चलाकर कैसा लग रहा है, वो भी किया सेल्टोस STX का, ड्राइव करने में कैसी है कार ये, और अंडर पावर है या नहीं, और मैं आपको पावर भी इसकी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और 0 to 100 या 0 to 50 जितना भी मेरे से हो सके मैं आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा और दिखाऊंगा भी। और गाइज मैं ये व्लॉग अकेला शूट कर रहा हूँ, ये सेटअप लगाने लगाने मेरे को आधा घंटा लग चुका है। मैं आपको कैमरा साइड करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इधर आप देख सकते हो सब कुछ फैला पड़ा है। तो अभी जस्ट इसमें सेटअप करने करने मेरे को आधा घंटा लग गया। अब माइक देख सकते हो, ये रहा माइक। अभी माइक इसलिए मैंने इधर की तरफ रख रखा है क्योंकि ना ये शीशे से टकरा रहा था, माइक आगे वाले शीशे से ये माइक टकरा रहा था, तो मैंने सोचा माइक को साइड रख लेता हूँ। शूट तो वैसे भी हो ही रहा है, ठीक है, माइक भी यूज़ में है। अभी जैसे मैंने रोड पे गाड़ी खड़ी कर रखी है साइड में, तो यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। वैसे काफ़ी हद तक गाइस के जो शीशे है वो नॉइज़ को रोक लेते हैं, अंदर तक आने नहीं देते, इंजन की नॉइज़ भी ज़्यादा सुनाई नहीं देती वैसे को बिल्कुल भी, ठीक है। बस जो कार चला रहा है उसको हल्की फुल्की मतलब महसूस तो होता ही है। तभी मैंने साइड में माइक रख ही लिया कि वॉइस भी थोड़ी अच्छी है, ब्रेक ना हो। अभी मैं वीडियो स्टार्ट ही कर रहा हूँ और अकेले बना रहा हूँ, तो वैसे भी मतलब मैं थर्ड टाइम चला रहा हूँ ऑटोमेटिक, उससे पहले मैं मैनुअल चलाता था। एक मैंने सोचा कि गाइस मैं सनरूफ पर लगा कर शॉट लूँगा, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि पावर एंड ऑल इसकी स्पीड थोड़ी सी टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अंडर पावर है या नहीं है, तो अभी तक तो मैं जैसे चला रहा हूँ तो अंडर पावर बिल्कुल लग नहीं रही है मेरे को, गाड़ी बड़ी स्मूथ है। और फिलहाल जब मैंने फ़र्स्ट टाइम, जैसे अब तो मेरी थोड़ी सी हैबिचुअल में हो गए उसका, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम चलाई थी ना तो गाड़ी स्टार्ट ही थी, मेरे को लगा स्टार्ट नहीं है, मैं उसको दबाया जा रहा प्रेस कर रहा, तो मेरे को बाद में चला रहे गाड़ी तो स्टार्ट है। तो देख रहे हो मतलब इतनी तो अच्छी है कार ये, मतलब इतनी इसकी एक खासियत बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो है महंगी कार है ये, और इसके हिसाब के अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको हैरियर भी आ रही है, थार भी आ जाएगी, बट फैमिली पर्पज से देखोगे तो हैरियर और सेल्टोस है, ठीक है, इस प्राइस के उसमें फैमिली पर्पज बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहे, 1.5 है ये, ठीक है। तो मेरे को अभी तक बढ़िया लगी है। तो अभी गाइस मैं कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा चेंज साइड में लगा के, इसको पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉट लेने वाला हूँ, तो शॉट जब लूँगा तो वो होगा हमारा रूफ पे जाएगा। मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ गाड़ी बंद करके, तो यहाँ पर ना रूफ पे लगेगा ये, एक सेकंड इसको पहले खोल लेता हूँ। अकेला हूँ ना तो ज़्यादा मुश्किल होती है अकेले में, अभी कोई साथ भी नहीं है। अभी विकास को बोला था आने के लिए पर उसने धोखा दे दिया, अभी तक आया नहीं है। तो अभी मैं एक शॉट जो लेने वाला हूँ एक यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। तो ये शॉट कैसा आएगा मेरे को पता नहीं है, वीडियो देखोगे तो मेरे को ज़रूर बताना। तो एक बार ये मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो अभी सेटअप जो था वो यहाँ पे लगा रखा था मैंने, और माइक मैंने हटा दिया है, और यहाँ पर आ गया अब सेटअप ना रूफ के इसमें। तो ये रहा सनरूफ, ठीक है, ये इसका ग्लास है और ये इसका कवर है, तो इसका कवर मैंने पीछे कर दिया और यहाँ पर ही आएगा, और यहाँ से सीधा डायरेक्ट पड़ेगा ये शॉट। तो अभी मैंने देख लिया शॉट कैसा आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि आपको ये शॉट कैसे लगता है। वैसे मैं GoPro से शूट कर रहा हूँ वीडियो, वीडियो में थोड़ा सा जूम मतलब ये जो इसका RPM वगैरह मीटर इसका अच्छे से दिख नहीं पाएगा, ठीक है, कोशिश करूँगा मैं अच्छे से आपको दिखाने की। और अब चलते हैं और इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो फिलहाल सेटअप हो गया रेडी, ठीक है, अभी मैंने ऊपर लगा दिया इसको, और ये रहा इसका माइक, माइक साइड में रखेंगे क्योंकि माइक ना अटैच हो नहीं पा रहा है, ऊपर ग्लास इसमें टकरा रहा है कहीं ना कहीं, और अगर मैं नीचे हैंग करूँगा तो फिर वो अजीब सा हो रहा है, वॉइस ब्रेक ना हो जाए के चक्कर है। मैंने सोचा ऐसे ही इसको रखते हैं, ठीक है, बाद में जब मैं इसकी थोड़ी सी मास्टरिंग करूँगा मिक्सिंग करूँगा तब इसको देख लेंगे वॉइस को। अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं। की लेस है गाड़ी, इसकी की मैं आपको दिखा देता हूँ, कांगे की, कांगे
कि इसकी गाइस ये रही की बहुत सेक्सी है, ठीक है। मेरे को जब हम सोनेट ले रहे थे तो मेरे को ये था कि की ऐसी मिल जाए, बट वो इसके ऊपर था, STX वेरिएंट में आ रहा था, हमारा STK+ था। सो इसकी की आप देख सकते हो, ठीक है, ऊपर लॉक का, नीचे अनलॉक का, पीछे होल्ड करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हैंड ब्रेक आपका ऊपर तक होना चाहिए और ये होल्ड करोगे तो इसकी बूट स्पेस खुल जाएगी। और इसकी ये देखोगे ना पीछे से, ये की इसकी निकलती है ये, तो ये चीज़ अच्छी है। तो अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, की को रख देते साइड में, की की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है, इसको करेंगे हम स्टार्ट कार को। कार होगी स्टार्ट, हैंड ब्रेक नीचे। आपने देखा होगा भी सीधा इसका मतलब कार स्टार्ट होती ना इसका रेडियो खुला, ठीक है। तो अभी ये पता नहीं क्यों है, ये लैग होता है क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद मैं जैसे बंद करना चाह रहा हूँ, बंद नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद जाकर इसका रेडियो बंद होगा। तो अभी भी देख सकते हो अभी नहीं हुआ है, कभी कभार ये ऐसा हो जाता है, मेरे को पता नहीं क्यों हो रहा है ये। अभी मैं इनसे पूछूंगा कि आगे शोरूम जाऊंगा तो अब जाके मैंने इसको बंद करा है, क्योंकि कॉपीराइट भी आ जाता है और ऊपर से ये है कि बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी फिर। वैसे इसमें माइक नहीं लगा और बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी तो मेरी वॉइस मतलब सही से नहीं आ पाएगी आप तक। तो अभी मैंने कार स्टार्ट कर ली है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला था, इसमें गाइस देख सकते हो पार्किंग मोड, रिवर्स, न्यूटन, फिर ड्राइव। पार्किंग में गाइस ये चलेगी नहीं, पार्किंग है कि आप जैसे खड़ी करते हो आपको कार नहीं चलानी तो उसके लिए, ठीक है। और रिवर्स में, रिवर्स ये रहा, रिवर्स में देख सकते हो कैमरा इधर की तरफ आ गया है और ये रहा न्यूटन, एन पे है, कि आप तक शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि गोप्रो में ना जूम नहीं होता है। और इधर है ड्राइव, तो ड्राइव मोड, जब ड्राइव आ जाता है तो इसका मतलब है रेडी टू गो। तो ब्रेक पे पैर रख रखा है मैंने, अब इसको थोड़ा सा रिलीज करूँगा और गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। एक्सीलेटर पे पैर रख दिया तो गाड़ी तो गाइस चलने में बड़ी स्मूथ है, मज़ा आ जाता है इसको चलाने के बाद। आप अगर फर्स्ट टाइम इसको ड्राइव करोगे ना, लिटरली जैसे आप पहले कोई मतलब वैगनर यूज़ कर रहे हो, स्विफ्ट यूज़ कर रहे हो, कोई भी थोड़ी इससे नीचे ही कार आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, मतलब लगेगा जैसे कार ऑन भी होगी ना तो आपको लगेगा कि कार ऑन नहीं है। मेरे को भी ऐसा लगा था जबकि मैं सोनेट चला चुका हूँ और चलाता भी हूँ। तो इसकी हैंडलिंग इसकी चेक कर लेते हैं, हैंडलिंग बड़ी प्यारी है इसकी। एक तो स्पोर्टी लुक में इसका हैंडल है ना, बहुत सेक्सी लगता है, और हैंडलिंग बड़ी प्यारी है इसकी। सस्पेंशन भी आपको मैं चेक करके बताऊंगा, सस्पेंशन में थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंट करी है कार। तो अभी का इसकी हम पावर टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक अभी आ रहा नहीं होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक शॉट लूंगा जो इधर रख के मैं बनाऊंगा, कि अभी ऐसे ही मैं टेस्ट कर लेते हैं कितनी है। सेकेंड तो मैं गिन नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला इसको शूट कर रहा हूँ। तो अब करने वालों मैं स्टार्ट, ठीक है, 0 to 100 या 0 to 50 जितना भी होता है, ठीक है। भगाने, बहुत अच्छी कार है, मजा आ गया। अभी इस रोड पे अभी 80 तक निकली है मेरे से और अच्छे से मैं कर नहीं पाया हूँ टेस्ट ये। तो अभी सेकंड वाली रोड पर जाएंगे तो उस पर मैं टेस्ट करके देखता हूँ। और गाइस ये आप ना करें, ठीक है, मैं ये खाली रोड है तभी मैं इसमें थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, और वैसे कुछ भी नहीं है अब तक, बस पहुँचाने के लिए, ठीक है। अब यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, आप चेक करना। स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा लगता है पावर की कमी है करके, बट जैसे थोड़ा सा लैग खाती है, उसके बाद सही हो जाती है। और अब ये पहुंच गई है 70-80-100 पहुंचने में तो गाइस इसको टाइम थोड़ा लगता ही है। 100 जरा अभी टच नहीं कर पाई है, 90 तक टच करा इसने, 100 पहुंचने तक टाइम लग जाता है, इतना भी नहीं है, ठीक है। बट 0 to 50 बहुत जल्दी पहुंच जाती है, मेरे को खुद नहीं पता भी कितना टाइम हुआ है। मैं अभी जब वीडियो एडिटिंग में रखूँगा तब इसका टाइमर सेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैंड नहीं है मोबाइल को जो लगा दूँ मैं स्टैंड पे। अब मैं वाली रोड पे जाऊँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा डायरेक्शन और मीटर के पे रखूँगा एकदम, कि मीटर पे कैसा आता है, और आप भी खुद देखना।
तो अभी जो गाइस मैं इसको लेके जा रहा हूँ और दूसरी वाली रोड पे मैं इसको टेस्ट करूँगा, और अभी जो सेटअप रहेगा हमारा तो हमारा सिर्फ मीटर मीटर का रहेगा। मैं आपको मीटर में अच्छे से स्पीडोमीटर पे दिखाऊंगा कि क्या इसमें स्पीड निकलती है। स्टॉप वॉच तो गाइस मैं वीडियो की एडिट करूँगा जब भी इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि अकेला मैं स्टॉप वॉच इसमें नहीं रख सकता, मतलब हाथ में फ़ोन पकड़ना फिर कार चलाना तो वो हो नहीं पाएगा। अभी कैमरा ही मैंने सेट करा है फिर से, पहले यहाँ की तरफ था अभी यहाँ पे करा है, तो आगे स्टैंड नहीं है जिसके कारण मैं आपको स्टॉप वॉच मतलब लगा ही नहीं पाऊँगा। तो अब मैं आगे दूसरी रोड पे और अब शॉर्ट रहेगा ऐसे गाइस, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 0 to 100 या तो 50 जो भी ज़्यादा चेक करेंगे, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने कहा कि थोड़ी सी अंडर पावर रहती है, वो अंडर पावर कहेंगे थोड़ी लैगिंग कह सकते हो आप। ये वाला थोड़ा सा अच्छे से हो नहीं पाया, बट स्टिल अभी आगे मैं एक और शॉट लेने वाला हूँ ऐसी। अब तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ, 0 to 50, 0 to 80 या 0 to 100 जितनी ही पहुँचे तो आप वो देखना वीडियो पे। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक निकल के आ रहा है, थोड़ा खाली होने देते हैं, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। बड़ी देख बहुत, अब पावर पकड़ी है इसने, पावर पकड़ी। यस, सायरन आ चुका है कि स्लो कर लीजिए, और आगे थोड़ा सा ट्रैफिक भी था तो उसके कारण मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकना पड़ा। आज एक तो संडे है ना, इस खाली रोड पे वैसे कुछ होता नहीं है। और आप ना इधर की ग्रीनरी देख सकते हो कितनी अच्छी है अगल बगल, आपको शायद दिख रहा नहीं होगा। 0 to 50, 0 to 60 करीब बड़ी जल्दी पहुंच जाती है, और आप इसको देख सकते हो। वन हैंड में अभी ड्राइव कर रहा हूँ, जैसे बहुत स्मूथ चल रही है कार, क्रूज कंट्रोल है इसमें। और इसका जो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को लगता है थोड़े से हार्ड, सोनेट के भी थोड़े से मेरे को हार्ड लगते हैं सस्पेंशन, मेरे को इसके भी थोड़े से हार्ड लगे सस्पेंशन, जैसे कि ब्रेकर्स में और वैसे ना। तो अभी ऑफ रोड तो इसमें करी नहीं है, बट स्टिल जो इसके सस्पेंशन जो मैंने ट्राई करे ना, तो अभी तक जितने मेरे को लगे सस्पेंशन थोड़े से हार्ड है। आप मेरे को कमेंट करके बताना मैं गलत हूँ या सही हूँ कि सस्पेंशन इसके हार्ड है या नहीं है, ठीक है। तो जितना मेरे को लगा है सस्पेंशन में कहीं ना कहीं मेरे को डिसअपॉइंट करी है कार, और वैसे तो बहुत अच्छी कार है ये, मतलब इसका एक तो रिफाइंड इंजन है, ठीक है, होंडा ही वाला इंजन है बिल्कुल, इसमें जो होंडा ही क्रेटा में आता है, ये 1.5 पेट्रोल है और बिल्कुल रिफाइंड है। और कहीं ना कहीं देखोगे ना इसकी गाइस आवाज़ ना बिल्कुल आती नहीं इंजन की, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तब जाके थोड़ा पता लगेगा कि थोड़ी सी इंजन की आवाज़ नॉइज़ कर रही है। ऐसी सोनेट का भी है, सोनेट में भी इतनी आवाज़ आती नहीं है, सही है इतना भी यार आवाज़ नहीं आती, नहीं तो परेशान कर देता है इंजन ही बंदे को। और बाकी तो गाइस बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये चला के कार। और एवरेज का गाइस मेरे पास जैसे मतलब लोग भी पूछ रहे थे एवरेज क्या दे रही है, तो अभी तो गाइस एवरेज बड़ी बेकार दे रही है। अभी निकाल के देखिए मीटर में वही देख रहा हूँ कि अभी 9.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये दे रही है, तो हाँ इतने ही वैसे दे रही है। अभी गाड़ी थोड़ी चली कम है अभी, और लिए भी एक हफ्ता ही हुआ है, ज़्यादा हुआ नहीं है। डिलीवरी वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा गाइस, वो भी काफ़ी लेट आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्यों लेट आया लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब थोड़ा फ्री हुए काम वगैरह से, और गाइस ऐसी सपोर्ट हमें करिए ज़रूर, आपका प्यार हमारे पे बना रहे बस। तो अभी मैं बाहर की साइड आ गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जाम मतलब ट्रैफिक है इधर की तरफ, गाड़ी चलने में बड़ी स्मूथ है गाइस। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं जब इसको सेकेंड टाइम जब मैं ड्राइव कर रहा था, मैं दोनों पैर यूज़ कर रहा था, है ऑटोमेटिक में एक ही पैर यूज़ होता है ओनली राइट, ठीक है, जिससे ब्रेक लगती है और आपकी एक्सीलेटर होती है। तो मैं कंफ्यूज सा हो गया कि मैं दो पैर यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला बड़ा दर्द सा हो गया था, तो मेरे को बाद में फिर रियलाइज़ हुआ रे यार इसमें तो एक पैर यूज़ करा जाता है। अभी जैसे मैंने ना ड्राइव मोड है तो पार्किंग मोड पे आपको इसको खड़ी करनी होती है, तभी वो बीप सी बज रही थी। तो हुआ यही था कि मैं इसको दो पैर से यूज़ कर रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम जब होता था तब मेरे को याद था कि हाँ एक पैर से यूज़ होती है कार, तो सेकंड टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, और बड़ी ब्रेक ऐसी लग रही थी, इसमें डिस्क ब्रेक वैसी है,
तो बड़ा फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ अरे यार एक पैर यूज करना है इसमें, तो बड़ा मतलब ये सीन शायद आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हुआ है तो कभी कभार हो जाता है ऐसे। और मैं मतलब हैबिचुअल नहीं हूँ इसका, बट अभी धीरे धीरे हो ही चुका हूँ हैबिचुअल, और बहुत सही। मैं पहले सोचता ऑटोमेटिक ऐसी है वगैरह वगैरह, बट है अच्छी है, पैर को आराम देती है लेफ्ट पैर को कहीं ना, तो मज़ा है इसको चलाने में भी। और ये जो है ना 1.5 ये पेट्रोल, ये भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, इसमें टर्बो भी आता है। मैंने टर्बो टू बी ऑनेस्ट कभी चलाया नहीं है, अभी जैसे मैंने एसी चला रखा है, कोई अंडर पावर मेरे को लग नहीं गई इतनी स्टार्टिंग में। जब जैसे मैं इसको 0 to 50 या तो 60 मैंने आपको कहा था कि मैं उसको खींचता हूँ, तो थोड़ी सी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी लैग खा रही है, ठीक है, बट उसके बाद जैसी स्पीड पकड़ती है ना वैसी तो बड़ी सही हो जाती है। अभी तो गाइस इसको एक ही वीक हुआ है ये परचेज करे हुए, ठीक है, तो इसमें ना मतलब हमने सामान भर रखा था पीछे और 4-5 लोग और बैठे हुए थे, तब भी ये बड़ी स्मूथ चल रही थी, लग नहीं रहा था कहीं भी कि ये अंडर पावर है, और मतलब एक लोड भर रखा है विद एसी, एसी भी हमने यूज़ करा था उस टाइम। फीचर्स बहुत है इसमें, इसकी फीचर्स एक तो इतने हैं ना एक्सप्लोर करने में टाइम लग जाता है, तो उसकी भी वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, और उसकी वीडियो ना बहुत ही अलग से ही आएगी, जो कार शोरूम वाले भैया ने बताया था भाई ने, तो वही मैं इसमें सोच रहा हूँ मैं वीडियो में डाल दूँ, क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं ना मेरे को खुद नहीं पता। उन वो भी कह रहे थे कि कुछ कुछ फीचर्स तो उन्होंने भी एक्सप्लोर नहीं करे, तो लेट्स सी कैसे होता है, देखते हैं। चलते गाइस आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड गाइस कुछ भी छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ भी अगर नहीं बता पाया हो, मैंने जैसे सस्पेंशन का थोड़ा बताया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो, ठीक है। कुछ कुछ होता है कि जिसको जैसे मेरे को सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा इसका लगा कि ये हार्डेस्ट में सस्पेंशन, बट किसी किसी को नहीं लगता, तो वो अपने अपने ओपिनियन होते हैं, और किसी किसी को कार अंडर पावर लगती है बट मेरे को नहीं लगती है, और किसी किसी को नहीं लगती है ऐसे, और भी जैसे मैं हूँ, ठीक है, अंडर पावर मेरे को नहीं लगती है। तो गाइस चलता हूँ अब, और कुछ भी छूटा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, आते रहेंगे इसके व्लॉग्स एसटीएक्स के, एसटीएक्स सेल्टॉस के, और भी बहुत ढेर सारे व्लॉग्स लाएंगे। आपका कमेंट हमें बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका कमेंट ना। चलते आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुरुंग ब्रदर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, बाय।